नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? जय हिंद, जय भारत, राम राम मेरे सभी प्यारे भाइयों और बहनों को। देरी के लिए थोड़ी सी माफी चाहेंगे कि आप सभी को मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों का दागुर्स यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज संडे स्पेशल क्लास है और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज मैं मैराथन टाइप कुछ अपन सीखने वाले हैं। आज रीजन के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं, लगातार धारदार रेपिड फायर राउंड रहेगा। मतलब आपको समय सीमा के अंतर्गत अपने आंसर देने होंगे, क्वेश्चन के आंसर बताने होंगे और अपना टैलेंट बताना होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज कोशिश है कि कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संडे है, संडे को काम में लीजिए और संडे स्पेशल क्लास है। सबसे पहले मेरे सभी भाइयों को प्रणाम नमस्कार। हरफूल, प्रदीप सिंघानिया जी, अजय नमस्कार जी, राजविंदर जी बिल्कुल 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 सर क्या बात, कमान है छे भाई। प्रदीप सिंघानिया जी आ गए हैं, नींद खराब नहीं होगी आप लोगों की। तो चलिए दोस्तों, समय को काम में लेते हैं, वक्त को तकाजा देखते हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की आंखों के सामने आ रहा है, देख लीजिएगा। सवाल बड़ा प्यारा है, रीजनिंग है। रीजनिंग का मतलब मैथ्स और रीजनिंग दोनों ही एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं दोस्तों। और सबसे पहले जो भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन इस चैनल को लाइक नहीं करे तो सबसे पहले लाइक ठोकिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे प्यारे दोस्तों अपने प्यारे मित्रों और दोस्तों और फ्रेंड्स को भी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत समझ में आती है, आपको अच्छा लगता है, क्लास में चिल्ड आप महसूस करते हैं तो प्लीज दोस्तों एक लाइक दबाने में कोई नहीं है। अगर बुरा भी लगे तो डिसलाइक दबाएं पर कुछ तो कीजिएगा। किसी बंदे ने कहा है कि भैया उड़े उड़े नहीं तो दौड़े, दौड़े नहीं तो चले, चले नहीं तो रहेंगे, लेकिन एक जगह तो ना रहे। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों स्टार्ट हो जाते हैं, करते हैं कोशिश। पहला प्रश्न आप लोगों की आंखों के सामने है, एक संतरे की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? है भैया, एक संतरे की कीमत जो दे रखी है, इसने दे रखी है कितनी? 7 रुपए दे रखी है, बहुत अच्छी बात है। और एक तरबूज की कीमत 5 रुपए है, सामने दोनों फल 38 रुपए में खरीदे, बहुत अच्छी बात है। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या होगी? अगर कोई मेरा प्यारा भाई मेरी बहन इसका आंसर दे तो प्लीज तुरंत बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं भैया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून मिस्टर एसएस, गुड आफ्टरनून, जुड़ते रहिए, अपने प्यारे दोस्तों को बताते रहिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं, बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट। एक संतरे की कीमत, देखिए प्रैक्टिकली अगर ये रीजनिंग है, रीजनिंग का सीधी सी मतलब है भाई साम दाम दंड भेद, हमें अपना काम करना चाहिए। तो भैया इसका जो कंसेप्ट है, अगर हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, इस प्रकार के क्वेश्चन की जो अप्रोच होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सीधा ऑप्शन से होती है। इसने पूछा कि भाई संतरों की संख्या कितनी है, तो मान लीजिए एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पर संतरा और एक तरफ हम लिख देते हैं भैया तरबूज। समझने की कोशिश कीजिएगा और ये ऑप्शन से होगा। अगर मान ले मैं पहला ऑप्शन लेता हूं, देखना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूं कि संतरे मैंने खरीदे मान लीजिए 2, ठीक है, संतरे मैंने 2 खरीदे, एक संतरे की कीमत 7 रुपए, तो 2 संतरों की कीमत मेरे पास कितनी हो जाएगी? 14 रुपए, बहुत अच्छी बात है। अब मेरे पास टोटल जो रुपए थे वो थे 38 रुपए, 38 रुपए में से मैंने 14 रुपए कर दिए खर्चे, तो भैया यहां पर 4 और यहां पर 24, 24 रुपए बचे। लेकिन एक तरबूज की कीमत 5 रुपए है और 5 के मल्टीपल में 25 हो सकता है, 24 रुपए नहीं हो सकता, तो तरबूज यहां से नहीं आएंगे। तो भैया ऑप्शन वाली अप्रोच होती है, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है, चिल्ड है, तो भैया देखिएगा ऑप्शन जो तीसरा होगा वो इसका आंसर होगा। कैसे होगा वो भी हम बात कर लेते हैं, देखिएगा, समझिएगा कि मान ले अगर मैं यहां पर आपसे कहूं कि जो संतरे हैं वो हमने खरीदे 4 और 4 संतरे खरीद लिए, एक संतरे की कीमत 7 रुपए, तो 4 × 7 = 28, 28 रुपए के तो मैंने संतरे खरीद लिए भाई। अब मेरे पास टोटल 38 रुपए थे, 38 रुपए में से 28 रुपए के हमने संतरे खरीदे, बताओ रे भाई कितने बचे? 10 रुपए। एक तरबूज कितने का मेरे प्यारे दोस्तों? एक तरबूज 5 रुपए का, तो 10 रुपए में कितने तरबूज आ जाएंगे? 2। इस प्रकार से जो 38 रुपए का कैलकुलेशन है ये बिल्कुल सही तरीके से बैठेगा, ये जो 38 रुपए वाला कैलकुलेशन होगा ये इसी तरीके से बैठेगा, तो ये ऑप्शन से होगा। जी हां दोस्तों, आंसर सबका 4 आ रहा है, प्रदीप सिंघानिया का आंसर बिल्कुल 4 आ चुका है, बैसला, प्रियंका राजपूत बिल्कुल, नीलम सैनी बिल्कुल, दिनेश बिल्कुल बिल्कुल, शकील मलिक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा। अगला सवाल आपकी आंखों के सामने ये रहा,
एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, बहुत अच्छी बात, आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है, बताइए दौड़ किसने जीती, फटाफट आंसर बताइएगा, बताने की आवश्यकता नहीं है, घटना घटनी चाहिए तुरंत, सभी चिल्ड हो जाए, अपने अपने हथियार लेके बैठ जाए मेरे प्यारे भाई और बहनों। बैंसला बिट्टू वीडियो क्वालिटी 360 में कीजिए, बिल्कुल जिसको जैसे करनी है कीजिए। सुमन बंसीवाल ओके ओके बहुत अच्छा, अगला प्रश्न, ये प्रश्न है आपका, आंसर बताइए मुझे, इसके आंसर की दरकार है फटाफट, अपना अपना टैलेंट बता दे भैया। एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के क्या आता है, बाद में आता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो राज है इसको राज रहने दो, देखिएगा ये जो राज है वो किससे पहले आता है, मोहित से पहले आता है पर गौरव के बाद आता है, तो गौरव के बाद आता होगा, गौरव हमारे पास ये रहा, ठीक है। आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है, आशीष जो है वो सचिन से तो पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है, तो सचिन साहब आपके यहां पर आ जाएंगे, कहां गया भाई ये रहा, सचिन साहब आपके यहां पर आ जाएंगे, तो बताइए दौड़ किसने जीती, तो दौड़ गौरव भाई साहब ने जीती भाई साहब, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा, सेकंड गौरव, बिल्कुल। ऐसे शर्मा प्रदीप सिंघानिया सर आपसे मिलना है आज, बिल्कुल भैया मिल रहे हैं हम, लाइव में ही मिल रहे हैं, आप कहें तो मोबाइल की स्क्रीन ठोक के फोड़ के बाहर आ जाऊं, जैसे चाहेंगे मिलेंगे। गुरुजी स्क्रीन फुल करो, दिख नहीं रहा है यहां, अभी भी दिख नहीं रहा क्या बेटा? आंसर गौरव आ चुका है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके बेटा नेक्स्ट टाइम से इसको पूरा करते हैं, ओके थैंक यू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, राखी और गीता आपस में बहने हैं, रमेश का लड़का गीता का भाई है, बताइए सुरेश और राखी आपस में क्या संबंध हुआ, आंसर बताइएगा। ब्लड रिलेशन का टाइप सेकंड क्वेश्चन, जब अपन ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे तो भैया सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग वाले पढ़े जाते हैं, उसके बाद में सेमी कोडिंग और इंडिकेशन, ये सेमी कोडिंग वाले हैं, आंसर बताइएगा प्लीज। ईश्वर गवरिया जी नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार ईश्वर जी, कैसे हैं? बांसवाड़े से ईश्वर गवरिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, हमारे भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, अजीज हैं, मित्र हमारे। सेकंड जय बालाजी महाराज, बिल्कुल जय, नमस्कार। देखिए क्या कह रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा, रमेश और सुरेश क्या है, भाई भाई हैं, तो होने तो भैया भाई भाई होंगे ही होंगे, इसको थोड़ा सा साइज को मैं हल्का सा छोटा करता हूं। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ये ऐसे कह रहा है कि रमेश और सुरेश भाई भाई हैं, तो भैया ये तो आ गया रमेश और ये आ गया हमारे पास में सुरेश, ठीक है। राखी और गीता आपस में बहने हैं, अभी तक रमेश और सुरेश का राखी और गीता से कोई संबंध नहीं है भैया, रमेश का लड़का गीता का भाई है, वाह भाई, जो रमेश है उसका जो लड़का है कोई भी हो वो किसका भाई है बेटा, गीता का भाई है, ठीक है। और गीता और राखी दोनों क्या है, आपस में बहने हैं, तो गीता और राखी दोनों आपस में क्या हो गई, बहने हो गई। अब सवाल ये बताइए कि बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध होगा, सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध होगा, तो भाई रे देख लीजिएगा क्या संबंध होगा। चाचा और भतीजा तो सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध होगा, ऑप्शन दो या तीन फटाफट बताएं। अच्छा हम पुराने जमाने के जेलर हैं मिस्टर एस शर्मा, बिल्कुल जेलर साहब आपकी भी सुन रहे हैं, आंसर क्या होगा बताइएगा। चाचा, सभी को चाचा दिख रहा है, सुरेश और राखी का आपस में, तो भैया ये इसके पिताजी हो गए, पिताजी का भाई चाचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, चाचा अंकल, शाबाश बहुत बढ़िया अंकल, बहुत अच्छे। ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाईं ओर, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसकी, हाँ सवाल आपकी आंखों के सामने है, देखिएगा।
क्या कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज के बाईं ओर, फ्रांस के ध्वज के दाहिनी ओर तरफ था, ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत के ध्वज के दाहिनी तरफ था, जापान के ध्वज के बाईं तरफ था, जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था, तो बताइए कौन से दो ध्वज मध्य में है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लाइन एंड सिक्वेंस का क्वेश्चन है। फटाफट आज रैपिड राउंड फाइंड है भैया, 50 क्वेश्चन कैसे कर पाते, उम्मीद है कि कर सकते हैं, डेढ़ घंटा हमारे पास है। अक्षी जोशी पहले नंबर का आंसर, बिल्कुल। शकील मलिक 3, ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ओलंपिक खेलों में अमेरिका का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज के बाईं ओर था। तो भैया सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में अगर हम बात करते हैं तो भैया सबसे पहले हम लिखते हैं भारत। अब जिसका बायां जिसका दायां कोई दिक्कत नहीं है, आपका लेफ्ट और आपका राइट हमेशा ये देख लिएगा भैया। दिनेश मकवाना हर्ष कुंडारा बाबा की जय हो, अरे भैया लव यू टू है। अमेरिका का राष्ट्रध्वज भारत के राष्ट्रध्वज के बाईं ओर, तो भैया ये तो आ गया अमेरिका, ठीक है भैया अमेरिका, और फ्रांस के ध्वज के दाईं ओर, तो ठीक है अमेरिका के ध्वज की बात बता रहा है कि जो अमेरिका का ध्वज है भारत के राष्ट्रध्वज के तो बाईं ओर, फ्रांस के राष्ट्रध्वज के दाईं ओर, तो भैया यहां पर आ जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है दाहिनी तरफ था। ऑस्ट्रेलिया का ध्वज भारत ध्वज के दाहिनी तरफ है, तो भैया यहां पर आ गया हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है भैया ऑस्ट्रेलिया आ गया दाहिनी तरफ, और जापान ध्वज के बाईं तरफ है, ठीक है भैया यहां पर भी लिख दिया जाएगा जापान, बहुत अच्छी बात है जापान, और जापान का ध्वज ठीक, जापान का ध्वज चीन के ध्वज के बाईं ओर था, तो भैया यहां अपने पास चीन आ सकता है इस जगह, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चीन, इसके बाईं ओर था चीन के ध्वज के। अब ये ऐसे कह रहा है कि बताइए कौन से दो ध्वज बिल्कुल मध्य में है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में है क्या, भारत और ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया आंसर बताएं प्लीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर नहीं आ रहे हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, दो इधर दो इधर, नहीं बिल्कुल भारत और ऑस्ट्रेलिया आएगा भैया, देखो फटाफट फटाफट, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत ऑस्ट्रेलिया, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, बड़ा ही भयानक प्रकृति का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ऐसे कह रहा है कि भैया नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज ट्रायंगलों की संख्या बताएं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसका आप पोस्टमार्टम कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, जब भी इस प्रकार की आकृति आती है तो बड़ा ही आनंद आता है, इस आकृति का पोस्टमार्टम करके देखें, तो देखो क्या होता है आपको इस प्रकार की आकृति में, यहां से समझिएगा ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये वाली लाइन, देखिए जब अपन काउंटिंग फिगर पढ़ते हैं, जब हम काउंटिंग फिगर पढ़ते हैं तो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगल काउंट करने का, कि ट्रायंगल कैसे काउंट किया जाता है, अगर किसी ट्रायंगल में बीचों बीच से कोई एक लाइन खींची जाए, समझिएगा, या भैया एक लाइन के अलावा एक से अधिक लाइन खींची जाए और आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर, करना कुछ नहीं होता बेटा, इनके कमरे में काउंटिंग करते हैं इस तरीके से, कमरे काउंट करके इनके आपस में गिन लेते हैं, तो ये हो गया 3, 1 और 2, 3 और 3, 6। इसी प्रकार से अगर इस को इस मोहब्बत को, जहां दोस्तों अगर ये मोहब्बत आप इसमें देखना चाहे तो भैया ये मोहब्बत आपको साफ साफ यहां नजर आ रही है, 1 और 2, 3 मोहब्बत, 3 यहां से मिले कि नहीं मिले, दूसरी मोहब्बत आप देखिएगा अलग कलर की, अगर हम बात करें तो देखिएगा इसी कलर की अगर मैं बात करता हूं तो 1, 3 हमारे सामने ये है, 1 और 2, 3 तो 1, 3 ये और आ गया। अगर हम पूरी बात करें, ढंग से बात करें तो भैया एक पूरा का पूरा बड़ा, आप ढंग से देखिएगा ये मार्कर जहां जहां चल रहा है ये पूरा का पूरा बड़ा, ये भी टोटल कितने बनाएगा 3, बड़े का मतलब आपको यहां से पूरा का पूरा ये बड़ा नजर आ रहा होगा, 1 और 2, 3 तो 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 3 9 ट्रायंगल तो हो चुके, बेचारा 10वें नंबर का ट्रायंगल अकेला बैठा हुआ है, संन्यास लिया हुआ, इसे कोई नहीं पूछ रहा, ये पूरा 10वें नंबर का ट्रायंगल है, देखो भैया 10 तो ये हो चुके। इसके बाद में आप हमें बताएंगे कि 10 के बाद में और कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, 10 के बाद ये एक सिंगल लाइन है जिसने इसको एक पूरे बड़े वाले में और इसको एक पूरे बड़े वाले में, मतलब दो लाइन है, सॉरी ये देखिएगा ये लाइन अपन ने आधे अटैच करी, ये एक तो पूरा है और ये एक पूरा है, तो दो और जुड़ेंगे तो 10 और 2, 12 हो जाएंगे, तो भैया 10 और 2, 12 हमारे सामने, ये क्या मैं समझा पाया, क्या समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताएं, एक बार मैं फिर बताऊंगा,
10 ट्रायंगल नहीं है बेटा प्रियंका, 12 ट्रायंगल होंगे, 12 ट्रायंगल एक बार वापस देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। ये ट्रायंगल एक बार आया हुआ है, इस ट्रायंगल को अगर आप ढंग से देखते हैं, ढंग से देखने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। मैंने बस इसको मरोड़ कर ऐसा कैसा रखा हुआ है और कोई कंसेप्ट नहीं है और कोई चालाकी नहीं की भाई, मैंने किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं की। हमने आपको बताया एक और दो ये तीन हो गया बेटा, एक और दो ये तीन हो गया और एक बड़ा वाला ये देखो पूरा का पूरा तीन, तो ये तीन और हो गए, तो तीन तिया नौ, नौ और एक बेटा ये आ गया दस। दस के बाद में ये सीधी लाइन है, जिसने इसको एक बड़े वाले में यहां, इसको मैं ए बी और सी मान सकता हूं, और एक बड़े वाले में यहां इसको मैं डी ए और सी मान सकता हूं, यहां पर परिवर्तित किया तो दस और दो टोटल हो गए बारह। इस लाइन से खींचने पर एक तो बड़ा वाला ये जो कि आपके सामने यहां नजर आ रहा है और एक बड़ा वाला ये, तो दो और हिस्सों में बट गया तो टोटल 12 होगा, फोर्थ आपका ऑप्शन होगा। क्या हम समझा पाए, क्या आप लपक चुके हैं? धन्यवाद, ओके थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, दिए गए विकल्पों में बहुत अच्छा प्रश्न, अब तक का सबसे प्यारा प्रश्न है, अब तक का कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका कुछ भी कैसे भी आंसर आ सकता है भाई साहब, हमारे जमाने में बहुत प्यारा प्रश्न था। ये ऐसे कह रहा है कि शेर अगर मांद में रहता है, डैम शेर अगर मांद में रहता है तो बताइए खरगोश कहां विचरण करेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी मेरे भाई और बहनों से पूछना चाहता हूं कि भैया आपको क्या नजर आता है, आंसर क्या होगा, प्लीज मुझे आप बताइएगा, फटाफट बताइएगा, आग लगा दीजिए धमाकेदार और बीच में लाइक ठोकते रहें मेरे प्यारे भाइयों, लाइक नहीं मिलेंगे तो भैया मौसम नहीं बनता है आपके भाई का। शाबाश सुमन, ओके बहुत अच्छा, नीलम एस एस शर्मा, करण, अजय, प्रदीप, अजय, दिनेश प्रजापत, बहुत बढ़िया भैया, शानदार, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप ये मिटाने में। अरे भैया डिजिटल बोर्ड की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। तो भैया प्रदीप जी बिल्कुल आंसर बताएं हमें, अगर शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहां घटना घटाता है, खरगोश कहां रहता है। शकील मलिक थैंक यू बेटा, थैंक्स अलोट मेरे भाई। देखिए होता यह है, वैसे यह राजस्थान पुलिस के पेपर का क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया तो राजस्थान पुलिस ने इस क्वेश्चन का आंसर माना था बिल, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है एसएससी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और एसएससी में इस क्वेश्चन का आंसर गड्ढा भी मान लिया जाता है, पर हमें बात कर रहे हैं अभी राजस्थान पुलिस की, तो जो बिल होगा वही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को क्लास में पढ़ाते वक्त भी मैं कई बार एग्जाम्पल में यूज करता हूं, कई बार रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हम अपनी खोपड़ी से कुछ भी बोल दें फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहता है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। शाबाश बहुत अच्छा बात है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो भैया ये साफ साफ आप लोगों को कह रहा है कि भैया कोई ना कोई तारीख है जिसकी 23 तारीख है और 23 तारीख को क्या वार होता है, रविवार होता है। समझने की कोशिश कीजिएगा, कैलेंडर का प्रश्न है, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो भैया मैं आपको कहता हूं कि जब भी इस प्रकार की कोई क्वेश्चन निकालने होते हैं, कोई पर्टिकुलर तारीख दी होती है और उसका आंसर निकालना होता है, तो हमारे पास क्या होता है, दिनों की कुल संख्या होती है, टोटल डेज, टोटल डेज होता है, उसमें जो हमको भाग देना होता है वो किसका भाग देना होता है, 7 का। जब हम 7 का भाग देते हैं तो यहां तो आता है भागफल और जो नीचे बचता है उसे बोला जाता है बेटा क्या, शेषफल, और शेषफल को इंग्लिश में बोला जाता है ओड डेज, क्या बोला जाता है, ओड डेज, और भागफल को बोला जाता है सप्ताह। हमारा जो काम की चीज होती है वो होती है ओड डेज, जो होता है शेषफल, दिनों की कुल संख्या। अगर मैं चाहूं कि 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब 7 और 7 14 दिन, 14 और 4 दिन पहले, 14 और 4 कितने हो जाएगा, 15 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या वार पड़ेगा, तो भैया टोटल 15 दिन है, 15 में मैं किसका भाग लगाऊंगा, 7 का, और शेषफल कितना आ जाएगा, 7 × 14 ये 1 मान लो। अगर आप इस प्रकार से, सॉरी 15 नहीं आएगा, 23 तारीख के रविवार तो 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन और 4, 18 दिन होंगे, 18 में अगर आप 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल 4 आता है इस प्रकार से, और 4 शेषफल आता है तो दिन
पहले कौन सा दिन पड़ेगा, तो रविवार से पहले 4 दिन अपन ले लेते हैं। ये सारी माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अच्छी तरह पता है कि जब भी भागफल होता है भागफल को सप्ताह बोलते हैं, हमारे काम की चीज शेषफल है। तो भैया इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा गांठ बांध लीजिएगा, अगर इस प्रकार के प्रश्नों में आपको कभी भी सप्ताह पूछा जाए तो उन सप्ताह को पहली ही नजर में मिटा दो। ये वो बेवफा है जिसकी तरफ मुड़कर दोबारा हमें कभी देखना नहीं है। अगर वीक पूछे सप्ताह पूछे तो उसके बारे में सोचना नहीं है, आप तो बस डायरेक्ट बात बताइएगा कि 4 दिन पहले क्या वार था। तो रविवार से 4 दिन पहले चले जाए, इसका मतलब 3 दिन आगे लपका दें, आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। क्या मैं सही समझा पा रहा हूं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो दोस्तों प्लीज बता दीजिएगा, अच्छा लगता है, क्लास में आनंद आता है तो लोगों को बताएं, अपने भाइयों को बताएं, शेयर कीजिए, अच्छा नहीं भी लगता तो डिसलाइक का पॉइंट आता है ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सुधार किए जा सकते हैं। आपकी कोई क्यूरियोसिटी हो, आपको कुछ पूछना हो, वो भी आप बता सकते हैं, आपके हिसाब से हम काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल 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 प्रदीप जी, बिल्कुल बिल्कुल वो मैंने सही कर दिया है, टेंशन ना लीजिएगा, थैंक यू। अगला प्रश्न आंखों के सामने, एक घड़ी को जिस पर केवल 3, 6, 9 और 12 बजे के चिन्ह लगे हैं एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, किसी व्यक्ति को दर्पण प्रतिबिंब में 9:50 बजे जैसा रुका समय दिखता है तो वास्तविक समय क्या है? बिल्कुल दर्पण का है, मिरर इमेज है, लेकिन इसमें मामला अलग है भाई। दर्पण में तो क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए पास की चीज पास और दूर की चीज दूर दिखाई देती है, तो पास की चीज पास और दूर की चीज दूर दिखाई देगी तो कुछ इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहां मामला अलग है, एक दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। अगर आप चाहें तो इसके मेथड से भी बात की जा सकती है मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन मेथड समझने में थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। आप तो डायरेक्ट इस प्रकार का जुगाड़ देखिएगा, पहले तो समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है। यह ऐसे कह रहा है कि भैया कोई घड़ी है उस पर 3, 6, 9 और 12 बजे का लगा हुआ है मामला, तो जैसे मान लीजिए 12 है, 6 है, ये 9 है और ये 3 है, लेकिन इसे किसी दर्पण के सामने इस प्रकार उल्टा किया जाता है, किस प्रकार उल्टा किया जाता है कि भैया ये 6 ऊपर आ जाता है, 12 इधर आ जाता है, 9 इधर आ जाता है और 3 इधर आ जाता है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है, एक दर्पण में देखा जाता है, दर्पण में जो समय हो रहा है वो हो रहा है 9:50, तो वास्तव में घड़ी में क्या समय होगा? तो भैया 9:50 तो दर्पण में हो रहा है लेकिन ये घड़ी उल्टी है, जब इस घड़ी को मैं सीधा करूंगा तो मेरे पास जो होगा वो ओरिजिनल टाइम आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जुगाड़ बाबा के साथ आप चलें, आपका भाई आपके साथ है। इस प्रकार के प्रश्नों को जब किसी घड़ी को उल्टा कर दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो उसे एक सिंपल सी गणित है बेटा, 18:30 में से घटा दीजिएगा, आंसर आपका आपके सामने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर आ जाएगा, 9:50 ये आपका आंसर। अब सीधी सी बात है, 30 में से 50 जाता नहीं है, ये घंटा है तो इधर से 60 मिनट उधार ले लीजिएगा, टोटल 90 मिनट, 90 में से 50 चला जाएगा कितना 40, इधर कितना बच गया 17, 17 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 8, तो 8:40 आपका आंसर होगा। लपका दें, घटना घटा दें, मौसम बना दें, दो ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, उल्टी घड़ी में ऐसा ही होगा बेटा। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन, बहुत प्यारा प्रश्न है, फिर से कैलेंडर का एक बेसिक कैलकुलेशन वाला सवाल आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हम कैलेंडर में पढ़ते हैं। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? सिंपल सी बात है यार, साधारण वर्ष का, किसी भी साधारण वर्ष का, जैसे मान लीजिएगा मैं बोलूं कि भैया 1 जनवरी 2001 को क्या वार है? रविवार, समझिएगा ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि भैया 1 जनवरी 2002 को क्या वार होगा, तो भैया एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी थ्योरी है, थ्योरी क्या कहती है कि भैया यहां देखिएगा कि जब दी गई तारीख समान हो, देख लेना, जब दी गई तारीख समान हो और दिए गए वर्ष का अंतर केवल एक ही हो, जब दी गई तारीख समान हो और दिए गए वर्ष का अंतर केवल एक ही हो, मेरी एक बात सुन लीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, उसके बाद में आप सारी बातें देखिएगा, जब दी गई तारीख समान हो और दिए गए वर्ष का अंतर केवल एक हो, यदि पूछे गए वार से दिए गए वार के बीच में कहीं पर भी फरवरी 29 दिन की नहीं आती हो, अगर कहीं पर भी फरवरी 29 दिन की नहीं आती हो तो भैया
उसमें एक जोड़ा जाता है और अगर फरवरी 29 दिन की आती हो तो उसमें दो जोड़ा जाता है। सिंपल सा है, यह कह रहा है कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या वार होगा। तो भैया एक दिन आप जोड़ सकते हैं साधारण वर्ष का, तो एक दिन तो आप जोड़ेंगे तो रविवार में पहला जोड़ देंगे तो सोमवार आपका आंसर होगा और यह रहा सोमवार। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? बिल्कुल प्रदीप सिंघानिया जी, आपका आंसर बहुत अच्छा है, लगता है आप घर पे काफी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू मिस्टर जगदीश जी, जगदीश चौधरी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? कतई जहर, बिल्कुल आग लगा देंगे, लपका देंगे, मौसम बढ़ा देंगे भैया, शाबाश, मंडे इज योर राइट आंसर। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगली घटना को घटाते हुए, संडे का मौसम बढ़ाते हुए आगे फिर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये लीजिए, निम्न में से कौन सा अंक शेष से सबसे अलग है? ये अल्लाह भाई खैदोमीटर, बहुत ही घटिया किस्म का क्वेश्चन है, रो मेटेरियल बहुत कम लगाया है, इसमें चार पराती बजरी और केवल दो परात की सीमेंट, मामला बैठेगा नहीं, बुलंद दीवारें नहीं होगी। आंसर आपको पता होना चाहिए क्या है, 23, 51, 63, 15, 23, ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वाकई सभी की जो डिजिट है वो कहीं ना कहीं किसी से डिविजिबल है, किसी न किसी से भाज्य है बेटा, सभी में किसी न किसी का भाग जाता है, लेकिन 23 में केवल स्वयं का, केवल एक अंक का भाग घटता है, यानी कि घटना घटती है, शाबाश। आगे चलें, अगला प्रश्न, जिस क्वेश्चन को देखते ही बनते हैं, वाह भाई क्या बात है, निम्न में से कौन एक अन्य से भिन्न है? फटाफट बता दीजिए, आग लगा दो, शाबाश मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बहुत लंबे समय तक एक साथ जूझ रहे हैं, जूझ क्या है, लड़े पड़े हैं, बस आप पढ़ने की तैयारी कीजिए और कुछ नहीं है, शाबाश। अन्य क्या है? कमांडर, कमांडर, ब्रिगेडियर, एडमिरल में से कौन सा अलग होगा? फटाफट बताएं। फटाफट 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 देखिए, इसमें जो आंसर होगा कुछ भी नहीं है, इसमें जो आपका आंसर होगा ब्रिगेडियर होगा। थोड़ा सा आपको प्रशासन के बारे में, अपनी सेना के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो ब्रिगेडियर है, ये जो पद है, जो ये जो पोस्ट है, ये भैया भारतीय अपनी जो थल सेना है, जो आर्मी है, उसके लिए है भाई। ये कमोडर, एडमिरल, कमांडर, ये जो होता है नौसेना के लिए यूज किया जाता है, यानी कि नेवी के लिए, शायद आप लोगों को पता लग गया होगा। अगला क्वेश्चन हम बात करें आगे, नहीं बेटा 3 नंबर ब्रिगेडियर होगा, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर थल सेना से संबंधित है, बाकी तीनों नौसेना, जल जल जल, जल बिन मछली, बिल्कुल आप लोग कमोडर वमोडर ना बोले, ब्रिगेडियर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके आंखों के सामने, एक कार्यालय में एक आवेदन पत्र आता है, आने दो, जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है, ठीक है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है, प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ था? वही कैलेंडर का एक छोटा सा मामूली सा चिल्ड सा प्रश्न है, कृपया करके आप अपना आंसर बताएं। बिल्कुल प्रदीप जी, चिल्ड कर ही देंगे आप लोगों को, फटाफट अपना आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल कैलेंडर टाइप का क्वेश्चन है। करण शर्मा, अमन चावरिया जी, नेक्स्ट, बिल्कुल नेक्स्ट आपके सामने। एक कार्यालय में दोपहर को एक आवेदन आता है, ये सारी घटनाएं, आंसर बताइए, सोमवार को आता है, बुधवार को आता है, देखिए हम कोशिश करते हैं। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है, जिसे अगले दिन, ठीक है, मान लीजिएगा आवेदन पत्र हमारे सामने इस दिन आया, ठीक है, अगले दिन संबंधित शाखा को, इसके अगले दिन हमने इसे शाखा में भेज दिया, को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, तो भैया ये अधिकारी जी को भी प्रस्तुत कर दिया गया उसी दिन, अर्थात शुक्रवार को, जिस दिन अधिकारी आया उस दिन क्या वार था मेरे प्यारे भाइयों? शुक्रवार था।
तो उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ? अगर ये शुक्रवार था तो ये गुरुवार होगा, और अगर ये गुरुवार था तो ये प्रार्थना पत्र जो था वो हमें कब प्राप्त हुआ? बुधवार को। क्या आप लोगों का सभी का आंसर सही है? बिल्कुल बी ऑप्शन होगा, बुधवार, वेडनेसडे, शाबाश, बहुत अच्छे। बुधवार हिंदी में भी क्या, प्रियंका अंग्रेजी में भी हिंदी लिखती है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। बुधवार, बुधवार, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने बेटा ये रहा। किसी निश्चित गुप्त भाषा में, वाह, किसी निश्चित गुप्त भाषा में, किसी निश्चित गुप्त भाषा के अंतर्गत प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 लिखा जाता है और रिस्क को 2 3 9 8 के रूप में लिखा जाता है। वाह भाई, घटना क्या घट रही है देखिए। तो रिवर्स को क्या लिखा जाएगा बेटा? कुछ नहीं लेना देना, सीधा सा मौसम बनेगा। बहुत ही घटिया किस्म का क्वेश्चन है। इसमें पी का कोड का मतलब एक है, आर का कोड का मतलब दो है, आई का मतलब तीन है, वी का मतलब चार है, ए का मतलब पांच है, टी का मतलब छह और ई का मतलब सात। इसी प्रकार से रिस्क में भी ये यही कहना चाहता है कि R का मतलब 2 है, I का मतलब 3 है, S का मतलब 9 है, K का मतलब 8। अब आप देखिएगा R यहां पर भी है और R यहां पर भी है। R का कोड 2 ये रहा और R का कोड 2 यहां है। I का मतलब 3 है, यहां पर भी I का मतलब 3 है। इन दोनों शब्दों से मिलकर नया शब्द मिलकर बना है ये रहा। तो भैया इनमें से टीप करी आपको तुरंत झपकी लगा देनी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग अब तक कर चुके होंगे, अब तक तो आप लोगों ने आग लगा दी होगी। R, R का कोड हमारे सामने आ गया। देखिए बेटा एग्जाम के हिसाब से बताऊं तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले पहले वाले अक्षर का कोड दो और सबसे आखिरी वाले का। जैसे एस है तो एस का कोड हमारे सामने एस है, तो यहां पर आ जाएगा 9। कुछ नहीं करना, आपको चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसका पहला दो हो और आखिर में नो हो। तो भाई रे पहले ऑप्शन तो ये तो गया गंगा जी, इसको भी घाल दो। अब दो और नो ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है? दो और नो, ये भी कैंसिल। तो आंख बंद करके ठकोरा लगा दो। अरे भाई रे, फालतू बरातियों को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, दुल्हा दुल्हनी चले जाए वही बहुत बढ़िया है। तो सीधा ऑप्शन से आंसर आ सकता है, बीच की इस फालतू के, इस समझ रहे हो ना, रोड़े को बीच में लेना ही नहीं है, समय बचाना है। एक एक सेकंड बचेगा तो ही मौसम बनेगा। अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने ये रहा। प्लस को माइनस लिखा जाए, गुणा, इसको तो तुम लोग अभी चिल्ड कर दोगे, तुरंत बताइए। जी हाँ, आपका जोश और जुनून बने रहना चाहिए भैया। दीपक तीर्थियानी, अरे कैसे हो दीपक जी, लव यू टू, बहुत अच्छा लगा आज आपको देख के कमेंट बॉक्स में। कैसे हैं मिस्टर दीपक तीर्थियानी जी, हाउ आर यू, कहाँ रहते हो भाई यार, कभी मिलो। अजय, कितनी देर हो गई सर क्लास चलते चलते? बेटा महज मुश्किल से आधा घंटा हुआ है क्लास चलते चलते। अजय आप तो आ जाएं, आज लंबी क्लास होगी 4 बजे तक, तो घबराए नहीं, 4 बजे तक हम साथ हैं। और बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा पेपर है, शानदार शानदार। आंसर बताए इसका क्या होगा? ऑप्शन आपकी आंखों के सामने, तैरता, थैंक्स अलोट दीपक जी। Love you too, love you too. क्या कहना चाहता है भैया गदाधारी भीम? ये कहना चाहता है कि यदि प्लस का अर्थ जो है वो क्या है भाई? गुणा है, ठीक है। गुणा का अभिप्राय भाग देना है, माइनस का अर्थ जोड़ना है, भाग से अभिप्राय घटाने का है। तो निम्नलिखित समीकरण को हल करो। अरे आंसर बता दो भाई फटाफट। सर लोग टीप टीप के टाइप कर रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, टीप टीप के टाइप करें ना करें, अपना काम है। देखिएगा यहां क्या कह रहा है कि भैया 20 है और माइनस, माइनस का मतलब क्या बता रखा भैया इसने? यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, माइनस का अर्थ जोड़ना हो, तो प्लस कर देंगे यहाँ 8, और गुणा का अर्थ कितना बता रखा है? गुणा का अभिप्राय भाग देना है, तो भाग हो गया अपने पास 4, और भाग का अर्थ कितना बता रखा है? भाग से अभिप्राय घटाने का है, तो माइनस का हो गया 3, और प्लस का अर्थ क्या बता रखा भैया? प्लस 2। प्लस 2 तो 3, प्लस 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 का अर्थ कितना जाए? गुणा, तो गुणा 2 बराबर कितना? 7 है क्या भैया? देखिएगा क्या लिख रखा है सवाल क्वेश्चन। एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, क्या कहना चाहता है ये? अच्छा, निम्नलिखित समीकरण से क्या उत्तर आएगा? ये 7 शायद गलत मामला बैठ गया है, देखते हैं। इधर तो हमने बात कर दी प्लस 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 का अर्थ गुणा, ठीक है, ये आ गया 2, ठीक है भाई। 20 प्लस 2 माइनस 3 दुनी 6, 20 और 2 कितना आ जाएंगे भाई? 22, 22 में 6 निकल लिए 16, तो भाई साहब आंसर आपका 16 ही आ रहा है क्या? देखिएगा
शाबाश 16 16 16, इस सात का कोई रोड़ा नहीं है भाई, ये तो एक्स्ट्रा टाइप हो गया भाई। अगला क्वेश्चन आप अपने आंखों के सामने देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। वर्षा मापी, वर्षा सिस्मोग्राफी, बायरे साइंस टर्मिनोलॉजी, आपका साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है साइंस, बिल्कुल ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि भैया दूध की शुद्धता कौन मापता है, लैक्टोमीटर, भूकंप की तीव्रता कौन मापता है, भैया क्या है डॉक्टर गले में जो बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए भैया। शाबाश 16 सबका आंसर आ चुका है। शकील, नीलम, शकील, दिनेश, सुमन, दिनेश, अमन, चावरिया जी, सबका आंसर आ चुका है। लवली डियर, बहुत अच्छे, साथ के साथ जुड़ते जाएं, धन्यवाद, आग लगाते रहें, मौसम बढ़ाते रहें। क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है भैया, सीधी सी बात है कि वर्षा मापी जो होता है वो वर्षा को मापता है, लेकिन सिस्मोग्राफ किसको मापता है, भूकंप को। सीधी सी बात है, जिसको नहीं पता वो सीख लीजिएगा, साइंस पढ़ेंगे तो ही आपको आएगा, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, लो भाई एक संयुक्त परिवार में, बहुत प्यारा प्रश्न है, एक बार आया हुआ था, इसका बोनस अंक दिया गया था, मैं आपको बता देता हूं यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन फिर भी उस गड़बड़ को अपन सही करेंगे, और सही करेंगे तो भैया बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। वंस अगेन, अजय क्या कह रहा है भाई, वंस अगेन कह रहा है भाई, वर्षा मापी वर्षा को नापता है, सिस्मोग्राफ एक एक क्या कहते हैं उसको, मापी यंत्र होता है जो कि भूकंप की तीव्रता को नापता है कि कितने रिएक्टर में नापा जाता है, कितने तीव्र भूकंप आया था, तो भैया वो वाली बात है। तो अगला प्रश्न आपके आंखों के सामने, तो साइंस का क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, फटाफट बताएं। भूकंप, बिल्कुल बेटा प्रियंका, बहुत अच्छे बेटा, भूकंप, शाबाश, बिल्कुल मैं सुन चुका हूं, भूकंप भूकंप, एस एस शर्मा, बिल्कुल प्रदीप सिंघानिया, भूकंप समझ गए, भूकंप भी आएगा भाई। सवाल आपकी आंखों के सामने, एक संयुक्त परिवार में पिता, मां, तीन विवाहित पुत्र और एक अविवाहित पुत्री है, पुत्रों में दो के दो दो पुत्रियां हैं और एक के एक एक पुत्र, इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, फटाफट बताएं। मनु मुंद, थैंक यू बेटा, थैंक्स अलोट। ये लीजिए, समझाएंगे आपको, एक संयुक्त परिवार में पिता और एक मां है, तो भैया संयुक्त परिवार में क्या है देख लीजिएगा, ये पिता है ये मां है, ये ठीक है। देखो एक संयुक्त परिवार में एक पिता हो गए, एक मां हो गई, ठीक है, तीन विवाहित पुत्र, ये तीन विवाहित पुत्र हैं, तो अगर तीन विवाहित पुत्र हैं तो भैया इनकी एक एक पत्नियां भी होंगी, ये इनकी पत्नियां हैं, पत्नियां, पत्नियां, ध्यान दीजिएगा, तीन विवाहित पुत्र हैं और पुत्रों में दो के दो दो पुत्रियां हैं, दो के दो दो पुत्रियां हैं, तो मान लीजिएगा भैया इसके भी एक पुत्री है और इसके भी एक पुत्री है, ये दो पुत्री हैं और इसके भी पुत्री हैं, ये पुत्री हो गई और ये पुत्री हो गई, ठीक है, पुत्रों में दो के दो दो पुत्र हैं और एक के एक पुत्र है, तो भैया इसके एक पुत्र हो गया, एक छोरा हो गया, ये छोरा हो गया भाई, ठीक है, इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो भैया इस परिवार के अंदर अगर अपन महिला सदस्यों की संख्या पता करें तो देख लीजिएगा कि भैया एक तो ये मम्मी, एक के बाद में दो तीन और ये चार, चार के बाद में पांच छह सात आठ, तो भैया आठ हमारे सामने, इसका आंसर नहीं आ रहा, आप लोग सामने देख लीजिएगा, तो इसका आपको बोनस अंक दिया जाता है, वैसे आप लोगों का आंसर मुझे बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, क्या कह रहा है कि तीन विवाहित पुत्र और एक परिवार में तो एक तो मां हो गई, तीन विवाहित पुत्रों की तीन बिन्नियां वो, तो तीन और एक चार, चार और दो दो पुत्रियां वो, ठीक है, और एक पुत्र है, तो इस परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है भाई।
एक अविवाहित पुत्री भी है, एक अविवाहित पुत्री भी है जिसकी शादी नहीं हुई है, तो 8 और 1 9 इसका आंसर होगा बेटा। यहां पर ऑप्शन में 9 आंसर नहीं है, तो भैया आइदर वाला केस बनेगा, 9 ही होगा। अगर हम ये मान ले, अगर हम ये मान लें इसको दूसरे नजरिए से देखा जाए कि इन पुत्रों की शादी तो हो गई लेकिन इन पुत्रों की बीवियां जो हैं वो मायके चली गई है, लॉकडाउन में कोरोना के चक्कर में जो बीवियां मायके थी वो मायके के मायके ही रह गई है, वापस नहीं आ पाई है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 में से 6 गायब, 3 गायब हो गई तो 6, तो फिर इस प्रकार से 6 ऑप्शन होगा। बस हमारा और कोई चारा नहीं इस क्वेश्चन के आंसर को निपटाने का। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो बताइएगा, प्लीज प्लीज बताइएगा क्या आंसर है। अरे नीलम सोनी पुत्री आ गई बेटा, पुत्री पढ़ा नहीं था बेटा, पुत्री ये रही आपके आंखों के सामने, तो घटना घट गई होगी। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ओरिजिनल में तो 9 है लेकिन वो 3 बीबियां लॉकडाउन में मायके में ही रह गई और दोबारा आने का सिस्टम नहीं फैला, तो भाई रे 9 में से 3 लपक गए, कितने हो गए? 6। तो इस प्रकार हम 6 आंसर कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है क्या? करण शर्मा साथ कैसे होंगे भाई? साथ का तो कोई चांस ही नहीं है। शाबाश, नीचे दिए गए चित्र में कितने आयत है गिन के फटाफट बता दो, आग लगा दो, आग बारूद बना दो इसको फटाफट। मेरे प्यारे भाइयों दिए गए डायग्राम में कितने आयत हैं? हाउ मेनी रेक्टेंगल्स इन दिस फिगर, प्लीज बताइएगा। अच्छा अब आ गई, लॉकडाउन खत्म हो गया सर, बिल्कुल बिल्कुल लॉकडाउन खत्म हो गया है, इसमें खुशी की बात नहीं है, कोरोना अभी भी वहीं का वहीं है, बीमारी अभी भी वहीं की वहीं है। मैं हमेशा कहता हूं हर तरफ से लॉकडाउन कोरोना कोरोना सुन रहे, तो इसलिए मैं क्लास में खामखा का ज्ञान नहीं देता, लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूं कि खतरा अभी भी यूं का त्यों बना हुआ है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा पूरी तरीके से खतरा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। यह बात अगर हम जितनी जल्दी समझ सके समझ लें, बाकी समझदार को इशारा काफी है। एस एस शर्मा बोल रहे सर महिला तो शादी के बाद बनेगी, अरे तो देवता महिला शादी के बाद बनेगी तो 3 विवाहित पुत्र हैं, विवाहित क्या है वैसे बिना बिना मतलब समझ रहे हो ना, बिना पत्नी के कैसे विवाहित हो सकते हैं, विवाहित लिखा हुआ उसमें। ये भैया एक ऐसे कह रहे हैं कि 4 महिलाओं की, मिस्टर एस एस शर्मा जी एक संयुक्त परिवार में पिता माँ और 3 विवाहित पुत्र, तो भैया 3 विवाहित पुत्र है भाई, देखो ढंग से देखो, ये देखो 3 विवाहित पुत्र रंडवे थोड़ी है भाई।
एक सेकंड देखते हैं। अब आवाज आ गई होगी, देख लीजिएगा। हेलो, 1 2 3 चेक 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 साउंड, ब्रूम 1 2 3 तकिला, ब्रूम ब्रूम, आवाज आ रही है मेरे प्यारे भाइयों। देख लीजिए, अगर आवाज आ रही है तो बिल्कुल बताइए। आवाज आ गई, मैं भी दिखाई दे रहा हूं। गुरुजी 5 लाख क्वेश्चन समझाना दोबारा, भैसला प्रियंका राजपूत, ठीक है भैया 5 लाख क्वेश्चन दोबारा समझाना। ये वाला क्वेश्चन ही बेटा, रेक्टेंगल्स कितने होंगे ये वाला। तो बच्चे आवाज में प्रॉब्लम आ रही थी, अब क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? देखो 17 रिपीट कर दो बेटा, क्या है ढंग से देखिएगा। सबसे पहले इसके छोटे छोटे कॉलम हम देखेंगे, रेक्टेंगल्स क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बड़ी आसानी से हमने 8 ट्रायंगल इसमें से निकाले हुए हैं। अब हुआ ये कि भैया बाकी के क्या ट्रायंगल है, तो दोनों को मिलाकर कैसे है? तो बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूं, मेरा मार्कर ये जो ब्लू लाइन जहां जहां आ रही है, तो क्या मैं इसको बता सकता हूं कि भैया ये 9 नंबर का ट्रायंगल होगा? 9 नंबर के बाद में इस पूरे वाले ट्रायंगल को हमने काउंट नहीं किया, 9 के बाद में कितने हो जाएगा ये 10 दिखाई दे रहा है। 10 के बाद में अगर मैं बात करता हूं यहां, तो भैया ये भी तो 11 होगा, और 11 के बाद में ये पूरा का पूरा कितना हो गया देखो 12, और 12 के बाद में अगर मैं इसे बात करूं तो ये हो गया कितना 13, 13 के बाद में कंप्लीट पूरा हिस्सा 14, 14 के बाद में इससे अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो बेटा कितना 15, और 15 के बाद ये कंप्लीट टोटल कितना हो जाएगा 16। तो भैया समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ रहा होगा क्वेश्चन, अपन आगे चलते हैं। उसका तो आंसर भी बालकों ने दे दिया है कि 35 बच्चों की कक्षा में गोविंद का ऊपर से 16वां स्थान है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, कृष्ण का नीचे से स्थान बताइए, हे प्रभु कितना प्यारा बच्चा है। देखो बेटा टोटल बच्चों की कक्षा में कभी भी किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट या राइट से अगर पोजिशन पता करें, तो कुल व्यक्ति में उस बाबूलाल का दिया गया स्थान घटाकर 1 जोड़ दिया जाता है। तो भैया पहले तो कृष्ण का नीचे से पूछा, तो कृष्ण का स्थान देखना है, तो क्या कह रहा है गोविंद ऊपर से कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे है, और कृष्ण उसके नीचे कितने स्थान पर है, कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, तो 7 स्थान अगर नीचे है तो 6 से 12 13, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं जो कि कृष्ण है उसका ऊपर से कौन सा स्थान हो गया 13वां स्थान हो गया। तो मैंने क्या बोला, अगर ऊपर से 13वां स्थान पूछा है और दे रखा है नीचे से पूछा है, तो कुल व्यक्ति कितने, कुल व्यक्ति हमारे सामने कितने आ गए भैया, ये कितने बोल रहा 35, तो 35 में से 13 माइनस करेंगे तो भैया 5 में से 3 गए 2, 3 में से 1 गया 2 प्लस 1, तो टोटल कौन सी पोजीशन हो जाएगी 23, फोर्थ ऑप्शन आपकी आंखों के सामने 23 ऑप्शन में आ रहा है, क्या 24 नहीं होगा 23 23? अरे यार आंसर क्या आ रहा है इन लोगों का, 23 होगा। कुल व्यक्ति माइनस दिया गया स्थान प्लस 1, टोटल व्यक्ति 35 है 35। देखो कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है, गोविंद ऊपर से 6 नंबर पे है, इससे 7 स्थान निश्चय होगा, तो कितना हो जाएगा ऊपर से 13वें स्थान पे होगा, तो 35 में से 13 जाएंगे तो भैया 22 22 प्लस 1 23। कृपया अपने आंसर को सुधारिएगा, कहीं मैं तो गलत नहीं बता रहा, सबका 22 22 22 आ रहा है।
देख लो भाई, पांच में से तीन गया दो, तीन में से एक जाएगा दो, प्लस एक 23 या बोला 23, ऑप्शन 23 मेरे प्यारे दोस्तों सुधारें, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 23 कैसे आया, आगे बढ़ें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं फटाफट। डी ऑप्शन करण शर्मा, शाबाश बेटा। सोनल चौधरी 22, रॉन्ग आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये रहा, शब्द फ्रीक्वेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनमें प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों ओर उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे से और पीछे से बताया जाता है, इसकी एक छोटी सी टेक्निक होती है वो मैं आपको बताऊंगा। हेलो, आवाज तो आ रही है यार अब तो। कमलेश बिश्नोई सर, शकील मलिक 23, बिल्कुल सही बात है, 23 होगा, शाबाश। कहां खो रहे हो, क्वेश्चन बताए, फ्रीक्वेंट में ऐसे कितने अक्षरों के युग्म है, इनका कुछ भी नहीं करना होता बेटा, इनमें क्या होता है, इनके नंबर लिखने होते हैं, ओरिजिनल नंबर लिखने होते हैं, जैसे कि यहां पर 6 हो गया, 18 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया, 5 हो गया, 14 हो गया और 20। अगर बाएं और दाएं दोनों तरफ से पूछा जाता तो देखो कुछ ही नहीं करना, सबसे पहले जो आपको तरीका थोड़ा लंबा लग सकता है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले इस पहले अक्षर 6 और 18 का अंतर कीजिए, जैसे 18 में से 6 गए 12, उसमें से एक अपनी मर्जी से माइनस कीजिए, कितने आएंगे 11। अगर इन दोनों के बीच में उतने अक्षर है तो उतने बताइए। तो भैया जहां तक मुझे पता है कि 6, 18, 6, 5, 6, 17, 6, 21, 6, 5, 6, 14, 6, 20, तो देखो भैया 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं होगा, 6 से तो कुछ नहीं बनने वाला, 18, 5, 18, 17, 18, 21 का बन सकता है, 19, 20 और 21, तो 18 और एक 21, जी हां दोस्तों एक जोड़ा 18 और एक 21 का बना, उसके बाद में 18, 5, 18, 14, 18, 20 नहीं बनेगा, 18, 14 का देखिएगा 15, 16, 17, 18 नहीं बनेगा, देखो 5, 17, 5, 21, 5, 5, 5 का भी नहीं बनेगा, 17, 21, 17, 5, 17 और 14 का बन जाएगा बेटा, 15, 16, 17, 15, 16, 17, एक 17 और 14 का बनेगा, बाकी इसके अलावा मुझे नहीं दिखाई दे रहे, दो युग्म बनेंगे, ओनली टू युग्म, कितने बनेंगे दो, आंसर कितने हैं बताइए, दो बनेंगे, एक तो 18 और 21 यानी कि एक तो बनेगा R का और एक U का बनेगा, और एक 17 और 14 एक Q का बने, Q का बनेगा और N का बनेगा, बस ये दो ही बन रहे, बाकी कोई भी युग्म नहीं बन रहे जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही बीच में अक्षर होते हैं जितने कि यहां पर है, ओनली टू। करण शर्मा आपको आंसर लेट रिसीव हो रहे हैं, ओके कोई ना। आंसर लेट रिसीव हो रहे हैं तो पहले मैं आपके आंसर्स देखूंगा उसके बाद में मैं बात करूंगा, जब तक मैं रुका हूं बेटा कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर बताइएगा, क्या आंसर होगा फटाफट, अबे तो बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं यार, 50 क्वेश्चन की बात थी, 3:30 हो चुके हैं, ऐसे कैसे पार पड़ेगी। दो, ओके आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। अगला क्वेश्चन, पानी की एक टंकी में ए बी और सी तीन नल है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन से लेके चल सकते हैं, पाइप पानी और टंकी। देखिएगा पानी की एक टंकी में ए बी सी तीन नल है, केवल नल खोलने पर टंकी 4 घंटे में, केवल नल ए खोलने पर टंकी 4 घंटे में, केवल नल बी खोलने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है, और केवल सी खोलने पर टंकी 3 घंटे में खाली हो जाती है, 3 घंटे में खाली हो जाती है, ठीक है। तो नल ए बी और सी जब एक साथ खोलेंगे तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लेगी, क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, चुटकियों में कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा प्रश्न है, केवल नल ए
यहां पर ए मिसप्रिंट है, लिख लीजिएगा। ए खोलने पर टंकी 4 घंटे में केवल नल, बी खोलने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है, सी खोलने पर 3 घंटे में खाली हो जाती है, तो बताइए क्या होगा। छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत प्यारा आंसर आएगा। अब तक तो आपका आंसर आ चुका होगा भैया, प्लीज बताते जाइए। देखो क्या है, एक टंकी है और यह हम कर सकते हैं, ये एक टंकी है, इसमें एक नल है ए, एक नल है बी और एक नल है सी। ये तो इस टंकी को केवल भरती है कितने घंटे में, 4 घंटे में भर देती है भैया। ये बी है जो 6 घंटे में भर देती है, और जो सी है वो कितने घंटे में, 3 घंटे में इसको खाली कर देती है बिल्कुल। तो भैया इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिएगा कि ए बी और सी, ए तो भरता है कितने घंटे में भैया, कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में, बी भर रहा है 6 घंटे में, और सी कितने घंटे में खाली कर देता है, 3 घंटे में माइनस कर देता है। तो सबसे पहले मुझे यह बताओ कि भैया टंकी में आखिर पानी भरना कितना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन करने से पहले इन सारे तीनों चीजों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। भैया 6 चौका 24, तो मान लीजिएगा जो 24 यूनिट है, 24 यूनिट जो है वो टंकी में हमें पानी भरना है, ठीक है, 24 यूनिट टंकी में हमें पानी भरना है। अब यह है कि ए नल 4 घंटे में 24 यूनिट भरता है, तो ए नल 1 घंटे में कितनी भरेगा, तो 4 6 24, तो 6 यूनिट भर देगा ए नल, ठीक है। बी नल 6 घंटे में पूरी 24 यूनिट भरता है, तो ये कितने घंटे में खाली भर देगा भैया, 4 घंटे में। लेकिन सी नल 3 घंटे में 24 यूनिट क्या कर देता है, खाली करता है, तो भैया 1 घंटे में कितने यूनिट खाली करेगा, ये 8 यूनिट खाली करेगा। अगर तीनों नल एक साथ चलाए जाए तो ए और बी दोनों तो भरेंगे, ये तो भैया 1 घंटे में भरेंगे 10, और ये खाली करेगा 8, तो इसका मतलब 2 यूनिट पानी बिल्कुल क्या होगा, भरेगा 1 घंटे में 2 यूनिट पानी भरेगा। भरना हमको कितना यूनिट है बेटा, 24 यूनिट, तो 24 यूनिट भरने में हमें कितना समय लग जाएगा, 12 घंटे का समय लगेगा। तो 12 घंटे ही आपका आंसर, मैथ्स का क्वेश्चन था, हमने लपका दिया है, क्या आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल 12 घंटे इसका आंसर आ रहा है। रोहित सर हॉटस्पॉट, थैंक्स अलॉट मिस्टर रोहित, हाउ आर यू फीलिंग सर। अजीत सर कैसे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट सुनकर देखकर, थैंक यू थैंक यू। तो भैया ये हमारे सामने 12 घंटे में घटना घट चुकी है, आगे का प्रश्न आप क्या कहोगे सामने बताइएगा भैया, इसका क्या आंसर होगा, ए बी वाई ए बी सी एक्स डब्ल्यू ए बी सी डी ई वी। बहुत प्यारा है, बहुत आसान है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खोपड़िया लगाओ खोपड़ी। अजीत रोहित सर बिल्कुल धन्यवाद, आपका दिया गया कमेंट मेरे लिए बड़ा ही बेशकीमती है, थैंक यू। फटाफट आंसर बताएं, आंसर क्या होगा इसका। आंसर बताइए। हेलो सर ऋषिकेश जाटव, नमस्कार भैया, हेलो। देखिए यहां से अगर हमें देखा जाए तो आप लोग थोड़ा सा ऑप्शन से काम ले सकते हैं। यहां पर जो मामला है, लंबा लाइन है ए बी सी डी ई और ये वी आ रहा है, तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें, अगर मैं पहले ऑप्शन से लेना चाहूं तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं जेड, तो देखिएगा ए बी जेड वाई हो गया, उसके बाद में आगे बोला जा रहा है ए बी सी और यहां पर आ गया डी, शाबाश ए बी एबीसी, और भैया यहां पर हमने क्या कर दिया, डी कर दिया है, अच्छी बात है। अगर यहां पे आ जाए तो एक्स और डब्ल्यू आ गया। अब अगर अपन यहां पे बात करें एबीसीडी ई और वी, तो भैया यहां पर आ जाएगा यू। तो क्या आप लोगों को यह घटना समझ में आ रही है, अगर मैं इसको पहले ऑप्शन से करता हूं तो। देखिएगा किसी को और आंसर नजर आ रहा है क्या, पहला आंसर होगा जहां तक मुझे पता है। लवली डियर आंसर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा प्लीज। सर यू ग्रेट, थैंक यू भाई थैंक यू। प्रदीप सिंघानिया सर आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत प्यारे भाई मेरे, बहुत अच्छे। तो क्या घटना घट चुकी है, ऑप्शन आ चुका है आप लोगों के पास।
पहला ऑप्शन होगा, दूसरा ऑप्शन होगा, मैं वेट कर रहा हूं। ओके, अजय कुमार को चार लग रहा है, देखते हैं चार लग रहा है कि पांच लग रहा है। जेड वाई डब्ल्यू आएगा क्या आएगा? ये मैंने ऑप्शन से करके बताया, जहां तक आपको सही लगे वो बताइएगा, ऑप्शन से करके दीजिएगा। ऐसे सोचोगे तो समझ रहे हो ना, मामला गड़बड़ हो सकता है। ऑप्शन बताते रहे एक एक ऑप्शन को। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल गलत, मैंने केवल ऑप्शन से बताया कि पहला ऑप्शन सही है कि नहीं है। सेकंड ऑप्शन आप देख के बताएं, सेकंड ऑप्शन से होगा कि नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन से अगर अपन बात करते हैं तो यहां देखिएगा, यहां लिख रखा है सी डी डब्ल्यू। अगर हम बात करें यहां पर ए बी सी डी और W, तो देखिएगा W तो यहां ऑलरेडी आ चुका है तो रिपीट होगा नहीं, तो भैया सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखिए तीसरा ऑप्शन, अगर मैं यहां पर लिखता हूं C, या लिखता हूं D और या लिखता हूं U, तो देखिए देखिए C ऑप्शन से बेटर है क्या? ABC Y ABC D ABC D E, तो ये तो बढ़ रहा है कि भैया ABC हो रहा है, ABC D हो रहा है, ABC D E हो रहा है, एक एक बढ़ रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है भैया? V है, सिंगल है या डबल है? तो यहां पर भी डबल है, तो मुझे नहीं लगता यहां पर भी मौसम बन रहा होगा। आंसर बता दीजिएगा प्लीज। ओके, इनको चार लग रहा है, देखते हैं चार से देखते हैं। जेड बिल्कुल जेड वाई, ABC C आ गया है, यहां पर लिख देंगे हम Y X W और ABC D E V, ये भैया ये W, तो भैया W तो मामला बैठेगा नहीं, V के बाद में तुरंत U आएगा, जब X W है तो इधर कमी होगा, पहला ही ऑप्शन होगा, इसको थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में चलें। वर्क हार्ड इन साइलेंस लेट योर प्रोसेस बी योर नॉइज, बाहरे अंग्रेजी है। नहीं भैया राहुल पांचाल, टाइम चेंज नहीं किया है, अगले प्रश्न की तरफ अपन चल रहे हैं। यह क्वेश्चन आपके सामने करके देखिएगा, टाइम चेंज नहीं किया है। संडे स्पेशल क्लास है जो आज डेढ़ घंटे की है, संडे को स्पेशल टाइमिंग होता है दिन में, बाकी नॉर्मल क्लासेस रहेगी मंडे। हाँ मैं मेरे प्यारे भाई बहनों को बता देता हूँ, जो मेरा टाइम शेड्यूल है व्हाट्सएप पर और मैसेंजर पर वो पूछते रहते हैं, भैया मेरी जो रेगुलर क्लास होगी शाम को 6 बजे होगी, और 6 बजे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे इस वीक के 3 दिन, शुरुआती 3 दिनों में हम घटना घटाने वाले हैं। उसके बाद में संडे को स्पेशल क्लासेज होती है, जिसका टाइमिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाया करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा फटाफट। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, और 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ता है, और सीधा 40 मीटर चलता है, और बाएं मुड़कर 25 मीटर सीधा चलता है। जिस स्थान से दीपक ने चलना आरंभ किया वहां से अब वह कितनी दूरी पर है? आंसर बताइएगा कितनी दूरी, दूरी बताएं। टाइमिंग मैं आपको बता देता हूं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे शाम को 6 PM शार्प 6 PM और संडे को स्पेशल क्लास, टाइमिंग मैं बता दूंगा। थैंक यू, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं फटाफट। आनंद डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दीपक पूर्व दिशा में, फटाफट आंसर बताएं। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है, मुड़ने दो भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दीपक जी हैं और ये 75 मीटर बायां मुड़कर चलते हैं। अब बायां मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी उधर मुड़ेगा, फिर 25 मीटर चलते हैं, तो भाई साहब इनको 25 मीटर हमने चला दिया, ये रहे 25 मीटर चलते हैं, फिर पुनः बायां मुड़ता है और सीधा 40 मीटर चलते हैं, फिर पुनः बायां मुड़ते हैं और सीधे कितने मीटर चलते हैं भैया? 40 मीटर चलते हैं। ठीक है, फिर बायां मुड़ते हैं, दीपक पूर्व दिशा में 75 चला, चलो पूर्व दिशा में चला दिया, बायां मुड़ गए, ऊपर चले गए और 25 मीटर चले। ठीक है, 25 मीटर चलने के बाद पुनः बाएं मुड़ते हैं और सीधा 40 मीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़कर 25 मीटर चलते हैं, ये आ गया भाई 25 मीटर, वहीं का वहीं चलते हैं। जिस स्थान से दीपक ने चला आरंभ किया था वहां से वो कितनी दूरी पर है? भाई रे ये कितनी दूरी पर होंगे, कोई पूछो बता सकता है? ये टोटल 75 है, 75 में से 25 निकल लिए, 50 बच गए, टोटल 50 मीटर, 50 मीटर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ऑप्शन नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, आंसर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। 35 वाह, अड़तीस, 25, शाबाश बताते जाओ। पैंतीस सही है, 50 है कि 35 है? फटाफट 50 गलत हो गया शायद, ये ना दोबारा देख लेते हैं।
बताए 35 है, 50 है, 115 कितना रहा है? बी 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 बी, शाबाश 50। देखो हमने 50 क्या लिखा, इनका 50, औरों के 35 आ रहे हैं, अपने 35। अरे भैया करके देखो, कॉपी पेन लेकर देखा करो, भरोसा मत करा करो किसी भी चीज पर। दीपक पूर्व दिशा में 75 मीटर चलता है, तो भैया देखिएगा इसको पहले अपन वापस 75 मीटर चलाते हैं, ढंग से देख लीजिएगा। ये दीपक जी हैं, ये पूर्व दिशा है, यहां से ये चल गए 75 मीटर की दूरी पर, ठीक है। उसके बाद में मीटर चलकर बाएं मुड़ता है यानी ऊपर की तरफ, और 25 मीटर चलने के बाद यानी कि 25 मीटर यहां चलने के बाद ये 25 मीटर चल गए, फिर पुनः बाएं मुड़ते हैं, मुड़ गए भैया और सीधा 40 मीटर चलता है, माफी चाहेंगे भैया, सीधा 40 मीटर चलता है, हम थोड़ा सा माफी चाहेंगे, यह मामला थोड़ा सा यहाँ अटक गया, मामला थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई थी। 40 मीटर के बाद में वापस से 25 मीटर चलता है, तो भैया 40 चल चुका, सही है भैया 40 चल चुका, तो इधर कितना बचा अपना 35 मीटर बच गया है। आप अपनी गलती को सुधार लें, मैंने गलती से 50 मीटर कर दिया था, बिल्कुल 35 मीटर होगा, 35 मीटर, 35 आंसर 35 होगा बेटा, बिल्कुल 35, ये 40 मीटर होगा, 75 था, ये 40 होगा, तो ये 40 होगा, अब ये इतनी दूरी पर है, तो 75 माइनस 40, 5 ये और 3, 35 मीटर, माफी चाहूंगा 35, 35 मीटर आपका आंसर होगा। अगले प्रश्न ये रहा, 35 मीटर कर लीजिएगा बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। आगे देखें, ग स्थान कैसे 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, बिल्कुल ग स्थान कैसे 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, बताइए ग स्थान कैसे किस दिशा में होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सापेक्षिक डायरेक्शन का है, इसको ढंग से देखिएगा। जो ऐसे कह रहा है कि भैया जो क है स्थान कैसे 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो सबसे पहले डायरेक्शन आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन से इस प्रकार से, ये लो तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण। अब ये ऐसे बोल रहा है क ख से, तो ख सबसे पहले मैं यहां पर बना देता हूं, ये रहा ख से किधर है, दक्षिण पश्चिम, तो भैया दक्षिण पश्चिम कुछ इस प्रकार से होगी ये डायरेक्शन, ये पॉइंट है ख का, तो दक्षिण पश्चिम यही होगी, तो भैया दक्षिण पश्चिम, तो ये तो हमारे सामने आ गया क। उसके बाद में क्या बोल रहा है भैया, कैसे 40 मीटर है, तो भैया यहां पर अपने पास में आ गया 40 मीटर। अगर हम बात करते हैं ग स्थान कैसे 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो कैसे ग, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये साउथ और ये ईस्ट, ये भी 40 मीटर है, ओके ये भी 40 मीटर है भैया, तो भैया ये स्थान कौन सा हो गया ग। अब पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है कि ग स्थान कैसे किस दिशा में, तो कैसे किस दिशा में हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो भैया पूर्व दिशा में हो गया ये। और भैया साथ के साथ शेयर भी करते रहिएगा, ठोकते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक ठोकते, धन्यवाद धन्यवाद। 45 नहीं होगा भाई, 35 होगा, अभी भी 45 आ रहे हैं घर पे बैठे बैठे भी। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारे प्रश्न है, सबसे अच्छे प्रश्नों में से एक प्रश्न, इतना प्यारा क्वेश्चन कि आग लगा देगा, खूंखार दरिंदे की तरह, मासूम परिंदा, खूंखार दरिंदा, दिखता है भैया ब्लड रिलेशन, आजकल इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह बोल रहा है कि 24 से 25 नीचे दी गई जानकारी के अनुसार ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए ग्रेटर देन साइन करते ए बी की पुत्री है, और ए लेस देन बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए अगर जे की बहन है तो इसमें तथा इसमें से ये जो है, तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म कजन प्रदर्शित करता है, बायरेन का कजन प्रदर्शित करने वाला युग्म देखना है। कंडीशन ये कह रहा है कि सबसे पहले अगर मैं इसकी कंडीशंस की बात करता हूं, तो ए गुणा बी, तो भैया ए गुणा में जो बी वाला मामला है ये तो हो जाएगा पुत्र यानी कि सन, साफ साफ दिख रहा है ए प्लस बी, तो भैया ए प्लस बी का जो मामला है वो क्या दिख जाएगा, पिता यानी कि फादर, और ए ग्रेटर देन, तो भैया ए ग्रेटर देन बी का मतलब है, ग्रेटर देन आपकी आंखों के सामने ये पुत्री हो गई डॉटर, और ए लेस देन अगर बी की बात करेंगे तो भैया ये पत्नी है, धर्म पत्नी, अर्धांगनी, बिल्कुल बीनणी, लुगाई, जैसा आप बोले वैसा, शाबाश। ये बोल रहा है ए जे की बहन है, तो बिल्कुल कंडीशंस आप लोग लिख लें, क्योंकि जब मैं इसको शॉर्ट करूंगा, लिखने की जगह बनाऊंगा, तो ही समझा पाऊंगा बेटा, तो आप लोग लिख लें, ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए इज सन ऑफ बी, ए प्लस बी का अर्थ है एफ इज फादर ऑफ बी, ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए इज डॉटर ऑफ बी, एंड ए लेस देन बी का अर्थ है ए पत्नी है बी की। फैमिली ट्री बनेगा, घटना घट जाएगी, मौसम बन जाएगा, देखिए कैसे समझे, कुछ नहीं करना। देखिए
कहना क्या चाहता है, ए जे की बहन है तो एल ग्रेटर देन, आराम से तसल्ली से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एल ग्रेटर देन, तू भाई ग्रेटर देन यही दे, देखो ये बोल रहा है एल ग्रेटर देन वी, यानी कि ग्रेटर देन का मतलब दे रखा है पुत्री है, तो एल पुत्री है वी की, तो भैया अगर मैं साफ साफ ऐसे कह दूं कि जो एल है वो वी की क्या है, पुत्री है, अभी तक वी के बारे में हमें नहीं पता कि वी इसके पिता है या इसकी मम्मी है, अभी तक कुछ नहीं पता, ठीक है, वी लेस देन, वी पत्नी है किसकी, जे की, तो भाई रे ये पत्नी हो गई किसकी, जे की, तो सीधी सी बात है पति और पत्नी के बीच में इंटरचेंज का साइन, अगर ये लुगाई है तो भाई रे ये मोटियारी होगा, अगर ये बींद है तो ये बीननी है, अगर ये बीननी है तो ये बींद है, ये पत्नी तो ये पति, ये भाई साहब डोला तो ये मारू, समझ गए मेरी बात को, तो भैया छोटा सा फैमिली ट्री बन रहा है देख लीजिएगा, आगे बोल रहा है भाई साहब क्या, J प्लस P, बहुत अच्छी बात है, J प्लस का मतलब क्या, अदर का पिता है, J जो है वो पिता है किसका, किसका है भैया, P का पिता है, ये लो, अब ये दोनों आपस में बहन भाई है या बहन बहन है हमें नहीं पता, अब ये क्या बोल रहा है, A J की क्या है, A J की बहन है, सामने लिखा हुआ है A J की बहन है, तो A जो है वो J की बहन है, तो भैया A J की बहन हो गई, ये ननद हो गई, ये भाभी हो गई है, शाबाश, आगे क्या बोल रहा है, एस गुणा में ए, एस गुणा में ए, एस गुणा का मतलब क्या है भाई, कहां रहा ये रहा, ए जो है वो, एस जो है वो पुत्र है ए का, तो जो एस है वो पुत्र हो जाएगा किसका, ए का, शाबाश, ए, और ए क्या है लेस देन कितना आ रहा भैया, बी, ए पत्नी है किसकी, ए पत्नी है किसकी, डी की, तो भैया अगर मैं यहां पर डी लिख देता हूं तो ये इसका पति हो गया, और ए पत्नी है डी की, कहां गया भाई ये रहा, ए पत्नी है डी की, तो ये इसका पति हो गया, और दोनों पति पत्नी हो जाएंगे डी और ए, तो ये लो और ये लो, दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है, डी प्लस एफ, डी जो है पिता है किसका, एफ का, तो भैया यहां पर जो डी है वो आ गया है पिता हो गया किसका, एफ का, तो डी है जो पिता हो गया एफ का, अब ये सारे के सारे सब कजन है, इधर वाली पार्टी आपस में कजन है, तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, एल और पी, तो एल और पी कजन नहीं हो सकते, तो सगे वाला सिस्टम हो गया, दूसरा ऑप्शन है एस और पी, हाँ एस और पी हो सकता है, तीसरा ऑप्शन एस और के, एस और के है नहीं, फिर एस और एफ, तो भैया एस और पी, ये जो एस पी वाला कंसेप्ट है ये इनका कजन वाला युग्म है, तो एस और पी सेकेंड ऑप्शन है, क्या आप लोगों का भी यही आ रहा है, एस और पी आ रहा होगा ना, ऑप्शन बताइएगा, एस और पी आ रहा है क्या, देखिएगा बताइएगा, एस पी आएगा, एस पी ही आएगा, और कुछ भी नहीं आ रहा, देख लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं प्लीज, शेयर कर दीजिए, लपका दीजिए, घटना घटा दीजिए, अभी कमेंट बॉक्स में आपके जवाब नहीं आ रहे हैं, क्या दोबारा बताना है, समझाना है, किसी भी तरीके से मुझे बताइएगा प्लीज, एसपी एसपी एसपी, शाबाश शाबाश, ऑप्शन आ चुके हैं, प्रदीप सिंगानिया जी, लवली डियर, अंकित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न आपकी आंखों के सामने, सवाल वही है, कंडीशन वही है, कंडीशन वही थी भैया, क्या कह रहा था, एक मिनट लिख लीजिए, गुणा का मतलब बेटा, प्लस का मतलब पिता, यहां लिख लीजिएगा, सन, और ए प्लस बी का मतलब है फादर, और जहां तक है ए ग्रेटर देन बी का अर्थ था डॉटर, और ए लेस देन बी का अर्थ है भाई साहब वाइफ, ये क्वेश्चन है, एक बार वापस, लेस देन का मतलब पत्नी और ग्रेटर देन का मतलब पुत्री, ठीक है, कंडीशन वही है, मैंने सामने लिख दिया है कि ए गुणा बी का अर्थ तो है कि ए बेटा है, प्लस का मतलब पिता है, ग्रेटर देन का मतलब डॉटर यानी डी, और लेस देन का मतलब डब्लू यानी के वाइफ, अब ये ऑप्शन से क्या कहना चाहता है भाई, क्या कहना चाहता है कि एम एफ की दादी है, ठीक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संकेत आएगा, देखते हैं भाई क्या देखते हैं, एफ गुणा में आर, एफ जो है वो बेटा है किसका, आर का, बहुत अच्छी बात है, और आर लेस देन आर जो है वो क्या है भाई, पत्नी है, पत्नी है किसकी, भैया आर पत्नी है एस की, तो भैया एस की पत्नी है तो ये पति हो गया, अब चक्कर ये है कि
एस से एम तक जाते वक्त, तो एम दादी होनी चाहिए एफ की, तो एम अगर दादी होनी चाहिए एफ की तो भैया एस बेटा होना चाहिए किसका, एम का। तो बेटे के लिए काय का साइन आना चाहिए, मल्टीप्लाई गुणा, क्यों भैया इसके आगे अगर गुणा होगा तो ही एस बेटा होगा एम का, तो एस बेटा होगा एम का, या तो ये या फिर ये बेटा कन्फर्म है, एम मम्मी होगी तो भैया ये दादी है, तो भैया आई थिंक मेरे हिसाब से तो गुणा का निशान आना चाहिए फोर्थ ऑप्शन। क्या आप लोगों को कुछ और नजर आ रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए अजय कुमार सर टॉपिक वाइज क्लास कब से स्टार्ट होगी? बस इसी का तो रोना है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगी मेरे लाल मेरे पीले, घबराए मत। गुणा का साइन आएगा क्योंकि जब एस बेटा होगा एम का तो ही एम दादी होगी किसकी, एफ की, तो भैया इधर पीछे जाएगा तो मल्टीप्लाई गुणा का निशान होगा। क्या समझ में आ रहा है? आप चाहे तो मैं इसे दोबारा बता दूंगा, प्लीज फोर्थ ऑप्शन मल्टीप्लाई, आंसर आ चुके हैं नेहा निशा चौधरी फोर्थ ऑप्शन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ब्लड रिलेशन का सवाल है, बहुत ताकतवर सवाल था भैया। अगला क्वेश्चन ये देखो, यदि बरसात को जल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहां उड़ेगा? कहां उड़ेगा भाई वायुयान? वायुयान उड़ेगा कहां? आकाश में। लेकिन आकाश को बोला क्या जा रहा है भाई? वायुयान आकाश में उड़ता है, आकाश को बोला जा रहा है समुद्र, तो समुद्र आपका आंसर। बहुत ही घटिया किस्म का सवाल था लेकिन आप लोग लपका चुके हैं। क्या आपको आंसर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर क्लास में आनंद आ रहा हो, मजा आ रहा हो, जान लग रही हो, लग रहा है कि भाई साहब धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, घटना घटाते रहे, मौसम बढ़ाते रहिएगा, लाइक ठोकते रहिएगा। चूंकि पता ही नहीं चला, मैं आज 50 क्वेश्चन लेके चलने वाला था लेकिन समझाने में क्वेश्चंस का पता भी नहीं लगा और क्वेश्चंस कम ही रह गए, कोई नहीं, जो आज नहीं वो कल होगा। जी हाँ दोस्तों, अजय कोरोना अपडेट क्या है सर, लॉकडाउन कब तक खुल जाएगा? वाह भाई, इस महाशय को केवल ये टेंशन है कि लॉकडाउन कब तक खुल जाएगा। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, लॉकडाउन आज की तारीख में भी खुला ही हुआ है आप लोगों के लिए तो, बट बीमारी वहीं की वहीं बनी हुई है, खतरा बढ़ रहा है, लॉकडाउन खुल रहा है और लॉकडाउन खुलने का इंतजार आप लोगों के साथ साथ कोरोना को भी है। तो थोड़ा समय सीमा समाप्त हो चुकी है, घड़ी की सुइयां मुझे बार बार निर्देश दे रही है कि अगले सर जो कि आपके सत्यम सर हैं और मैथ्स की क्लास लेके आ रहे हैं, जादुई क्लास, धमाकेदार क्लास, तो आपके सत्यम सर की क्लास होगी मेरे बाद। जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं, जो भी अपडेशन बच गए हैं, हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मेरे प्यारे भाइयों। धुआं उठा दीजिएगा, आग लगा दीजिएगा और घटना घटा दीजिएगा भाई साहब। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत, कल फिर मिलेंगे कल शाम को 6